नमस्ते बाल मित्रों, आज हम विषय गणित सीखने जा रहे हैं। विषय गणित में 9 आंकड़ों का उपयोग। अब हम देखते हैं, यहाँ हमें नीचे चित्र दिए गए हैं। यहाँ त्रिकोण है और यहाँ गोल। तो पहले हम त्रिकोण को इस चित्र में ढूंढेंगे कि त्रिकोण कहाँ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 के बाद यहाँ 17, 18, 19, 20, 21, 22। कितने त्रिकोण हैं? 22। तो हम यहाँ लिखेंगे 22 22। अब हम यहाँ नीचे देखेंगे चौरस। चौरस कितने हैं? अब चौरस ढूंढेंगे, हमें चौरस ढूंढना है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। कितने चौरस हैं यहाँ? 5 5। ये 6 7। कितने चौरस हैं? 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7। अब हम यहाँ गोल हैं, तो हमें गोले को इस चित्र में ढूंढना है। तो सूरज गोल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने गोल हैं? 8। तो हमें कितना लिखना है? 8। हम यहाँ लिखेंगे 8। 8 गोले हैं तो 8। अब हमारा बाकी क्या रहा? लंब चौरस। अब हम लंब चौरस को ढूंढेंगे, जो चौरस है पर लंबा है। चलिए ढूंढते हैं। 1, 2, 3। यह घर का आकार भी देखिए, लंब चौरस में है। 3 के बाद यह 4। और यह दरवाजे का भी आकार लंब चौरस में है। 5। कितना हुआ? 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। कितना लिखेंगे? 5। यहाँ 5। अब सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है यहाँ लिखी गई है? इसमें सबसे ज़्यादा किसके चित्र थे उस चित्र में? यहाँ। तो इस चित्र का नाम लिखना है। इस चित्र को त्रिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोण। और यहाँ सबसे कम चित्र कौन सा है? यहाँ 5। तो इस चित्र को लंब चौरस कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे के पेज में। आगे के पेज में नीचे बच्चों के दोस्त मित्रों के नाम दिए गए हैं, हमें उस नाम की संख्या लिखनी है। 1, 2, 3, 4। जितने नाम हैं उसके आगे उतनी संख्या लिखनी है। यह 4 है तो हमें 4 लिखना है। कितना लिखना है? 4। यहाँ 1, 2, 3। कितना है? 3। तो हमें यहाँ लिखना है 3। अब यहाँ नीचे 1, 2, 3, 4। तो कितना लिखना है? 4। और यहाँ नीचे 1, 2, 3। कितने हैं? 3। तो हमें यहाँ लिखना है 3। और उसके नीचे 1, 2, 3, 4। तो कितना है? 4। तो हमें यहाँ लिखना है 4। अब हम नीचे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। कितने लिखने हैं? 5। कितने? 5। अब हम नीचे के गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 5। अब नीचे 1, 2, 3। कितने अंक शब्द दिए गए हैं? कितने अक्षर? 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब सबसे नीचे देखते हैं, 1, 2, 3, 4। कितने अक्षर हैं? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब हम नीचे देखेंगे, इसके आधार पर यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, हम इसे हल करेंगे। कितने नामों में 3 अक्षर आएंगे? हमें देखना है कितने नामों में 3 अक्षर आएंगे। 1, 2,
तीन, कितने नामों में तीन अक्षर आए? तीन, तो हम यहाँ लिखेंगे तीन। अब कितने नामों में चार अक्षर आए हमें यह देखना है। अब हम ऊपर गिनेंगे, चार कितने नामों में आए? एक, एक, दो, तीन, चार। कितने नामों में आए? चार, तो हम यहाँ लिखेंगे चार। अब हम नीचे देखेंगे, पांच अक्षर किस नामों में आए, तो हम ढूंढेंगे ऊपर से नीचे तक। हमें पांच कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? एक, दो, तो सिर्फ दो नामों में पांच अक्षर आ रहे हैं। अब हम नीचे ढूंढेंगे, माँ कहाँ कहाँ आ रहे हैं? माँ जिस अक्षरों में आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, हमें माँ ढूंढना है। तो एक, दो, और यहाँ है कहीं माँ? ये दो, 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 फिर उसके बाद तीन, चार, यहाँ पांच। कितने अक्षरों में माँ आए? पांच, तो हमें यहाँ लिखना है पांच। अब यहाँ या कितने में आ रहे हैं, हमें वहाँ गिनकर लिखना है। चलिए हम देखते हैं शुरू से। यहाँ या है, आपको या ढूंढना है। यहाँ एक, या दो, यहाँ या है, जल्दी जल्दी आपको ढूंढना है। हाँ, यहाँ कितना हुआ है? तीन, यहाँ आपको लिखना है तीन। हाँ, हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। नमस्ते।